गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रहा है एक बार प्लीज बता दीजिए। आई होप देर इज नो लैग हैपनिंग। टुडे आई हैव अ सेट ऑफ 10 to 12 क्वेश्चन दैट वी विल बी डिस्कसिंग रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स जो कि हिंदू में और द इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। एंड पोस्ट दैट आज के कौन से सेशन होने हैं, किस किस स्केड्यूल में होंगे, लेट मी क्विकली टेल यू। हेलो एवरी वन, सो सॉरी फॉर बींग अ बिट लेट। हेलो सागर, दीपेश, क्षितिज, सारांश, पुनीत, वीरेंद्र, अर्पिता, शुभम एंड सायंतिका। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल। अच्छा, एक बार प्लीज़ फटाफट से कॉमेंट्स में बता दो इफ द ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू एवरी वन। हेलो रश्मि, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। पोस्ट दिस वी विल बी हैविंग अ नेक्स्ट क्लास एट 1 PM जो कि PYQ का मॉक क्लास होगा, ठीक है। ये होगा अकेडमी के स्पेशल क्लासेस पे। 2 PM वाला जो क्लास होगा मिडीवल इंडिया पे होगा, जहाँ पे मिडीवल हिस्ट्री में हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट द चोला एम्पायर एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द साउथ इंडियन एम्पायर्स, ठीक है। उसके बाद वील हैव अ क्लास एट 6 PM जो कि अनदर PYQ क्लास होगा। हेलो अक्षय, हेलो पूजा, हेलो संदीप, सागर, पुनीत, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। हेलो दीपाक्षी, गुड मॉर्निंग, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। एंड द लास्ट क्लास ऑफ द डे वुड बी एट 8 PM जो कि आर्ट एंड कल्चर का क्लास होगा, जहाँ पे आज हम इंडियन थिएटर करेंगे जो कि YT पे होगा, ठीक है। 1, 2, 6 ऑल दीज 3 क्लासेज विल बी ऑन द स्पेशल क्लासेज अन अकेडमी का जो ऐप है उस पर होंगे। एंड जो 8 PM वाला क्लास है वो इसी चैनल पर होगा YT पे, ठीक है। हेलो गुरुदेव, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास, आई होप ऑल ऑफ यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। शुभम, इट्स एब्सोल्युटली लक्ष्मीकांत, इसके अलावा कोई बुक मत करो, एब्सोल्युटली उसमें जितना दिया है मोर देन सफिशिएंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। आई एम वेरी वेल, थैंक यू सो मच सागर, हाउ आर यू, आई होप यू डूइंग वेरी वेल। हेलो विशाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। चलिए ऑन दैट नोट स्टार्टिंग विद द क्लास। बिफोर आई बिगिन, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर अबाउट द न्यू बैचेस दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द 14th of April, दैट इज टुडे। हमारा एक 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए प्रीलिम्स का बैच स्टार्ट हो रहा है, 3500 MCQs का, वेर इन वी विल बी कवरिंग द एंटायर रिविजन कोर्स फॉर द प्रीलिम्स 2021, और साथ ही साथ में PYQs को डिस्कस करेंगे। पोस्ट दैट वी हैव द मिशन विक्ट्री बैच जो कि 1 ईयर का प्रोग्राम है 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए बायलिंगुअल में, यानी हिंदी और इंग्लिश में, जहाँ पे हम लोग पूरा प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कवर करेंगे। लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स एंड NCERT एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। सिमिलर लाइन्स पे वी हैव द बैचेज इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस एज वेल। एंड वी हैव अ बैच फॉर 2023 एस्पिरेंट्स जो कि 2023 के एस्पिरेंट्स का होगा, हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल में, जहाँ पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। प्रीलिम्स मीन्स का, NCERT और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होंगी एंड लाइव क्लासेस वुड बी देयर फॉर टॉप एजुकेटर्स, ठीक है। हेलो सायंतिका, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। हेलो ऋषिकेश, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। गुरुदेव, आई हैव ऑलरेडी टेकन अ सेशन हाउ टू स्टडी एंड रिवाइज लक्ष्मीकांत, आप एक बार इसी चैनल पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कौन से पोर्शंस इंपॉर्टेंट हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम द प्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड व्हाट शुड बी डन, ठीक है। चलो गाइज, ऑन दैट नोट स्टार्टिंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स पोर्टल एंड एन ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल, विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट, यू हैव टू टेल। So the Judgments and Orders Search Portal is a repository of judgments pronounced by various high courts in the country. And the second statement reads, it provides facility to search judgments and final orders based on multiple search criteria. So you have to tell which of the two statements is or are correct. ओके एंड नो पूजा, बिल्कुल ज़रूरत नहीं लक्ष्मीकांत से नोट्स बनाने की, द बुक इन इट्स सेल्फ इज एब्सोल्युटली कंसाइज, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल टाइम मत वेस्ट करो, रीड द बुक एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, जितनी बार कवर टू कवर पढ़ सकते हो। So we have answers coming for this question. Shubham has answered A, Debakshi has answered C, Vishal has answered C, Abhishek has answered C. Absolutely correct guys. Puneet has answered B, Gurtek has answered B, Sagar, Akshay have answered C, Sushmit has answered B, Sayantika, Arpita have answered C. C is the correct option, both of the above. तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने इनिशियली एक कमेटी का इनॉग्रेशन करा था, द जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स पोर्टल एंड एन ई फाइलिंग 3.0 मॉड्यूल, ठीक है, जहां पे ये बोला गया था कि एक रिपोजिटरी होगा जजमेंट्स का, जो कि बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने प्रोनाउंस करें, जितने भी जजमेंट्स आए हैं ऑफ ऑल द हाई कोर्ट्स इन इंडिया, उसको यहां पे लेकर आया जाएगा, ताकि हर जजमेंट को फाइनल ऑर्डर के बेस पे सर्च किया जा पाए। एंड इस मॉड्यूल में इंश्योर किया गया था कि जो ई कमेटी है, दिस विल बी मेड इन सच अ वे कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक फिटिंग की जाएगी कोर्ट डॉक्यूमेंट्स की विद द न्यू मॉड्यूल। लॉयर्स को और क्लाइंट्स को जरूरत नहीं होगी कोर्ट प्रमाइसिस में आने की टू फाइल अ केस, दे कैन डू इट ऑनलाइन इटसेल्फ, ठीक है। अक्षय, सुप्रीम कोर्ट है उस पार्ट में कि डायरेक्टली आपको अगर कोई भी केस फाइल करना है लॉयर्स को या किसी भी क्लाइंट को, दे कैन डायरेक्टली डू इट ऑनलाइन, ठीक है। ई कोर्ट्स का जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके से काम चला है एज अ रिजल्ट ऑफ द COVID-19 क्राइसिस, दे वॉन्ट टू प्रमोट डिजिटल गवर्नेंस एंड दे वॉन्ट टू एंश्योर कि इसी तरीके से यहाँ पे वर्क करते रहे। क्लियर डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कंफ्यूजन? एब्सोल्युटली राइट सौंदर्य, पूजा, सारांश फॉर एंड सर्वेश, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन, ठीक है। चलो गाइस, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल्सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल आर्टिकुलेट एंड शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू आहार क्रांति,
ये जो आहार क्रांति का स्कीम लेकर आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या है ये? द मिशन इज एम टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द नीड फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट एंड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेसिबल टू ऑल फ्रूट लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड द आहार क्रांति मूवमेंट इज डिजाइन टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ हंगर एंड डिजीजेज इन अबंडेंस. यू हैव टू टेल विच ऑफ द टू इज और आर करेक्ट. So we have answers coming to this one already. Hello Arun, good afternoon. Welcome to the class. I hope you are doing okay. So Abdul has answered C for sure. Sushmit has answered C. Vishal has answered B, but he's not sure about A. Dipesh Sagar, Akshay Gulam have answered C. Puneet has skipped the question. Abhishek, Santika, Gurte, Karpita have answered C. Gulam, Saransh, Pankaj have answered C. We have okay, so a major part of the portion have major portion people have answered C. Correct option is ka C hi hai. Absolutely right guys, dono statements is question ki sahi hai. जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एक नई स्कीम को लॉन्च किया था जिसका नाम है आहार क्रांति. इस मिशन का मेजर एम है टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द नीड फॉर अ न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड डाइट एंड टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू ऑल द लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. जो विजनन भारती विभा और ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट का एसोसिएशन है वो एक साथ आए हैं, जहाँ पर उन्होंने इस मिशन को लॉन्च करा है विद द मोटो गुड डाइट गुड कॉग्निशन. एंड द आहार क्रांति मूवमेंट इज डिजाइन टू एड्रेस द पीपल्स प्रॉब्लम, जहाँ पे हंगर और डिजीजेज इन अबंडेंस है इंडिया में. क्लियर डाउट क्वेरी क्वेश्चन कन्फ्यूजन टिल एनी ऑफ द क्वेश्चन गाइज, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ पीपल टूडे इन द क्लास. आई एम सो सॉरी इफ आई एम स्किपिंग आउट ऑन एनी वंस नेम्स. ठीक है, सो डोंट थिंक दैट आई एम नॉट टेकिंग एनी ऑफ योर नेम्स, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं ना, हेंस आप लोगों के नेम्स स्किप हो जाते हैं. सो प्लीज डोंट माइंड इट एट ऑल. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू भीमराव अंबेडकर. अब आज क्योंकि भीमराव अंबेडकर जयंती है, तो उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है. ठीक है, वी हैव हाय जे जे, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास, आई होप यू डूइंग वेरी वेल. जल्दी से बताइए विच ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. So in 1936, B.R. Ambedkar founded the Independent Labour Party, and in 1923 he set up the Bahishkrit Hitkarni Sabha, which was devoted to spreading education and culture amongst the downtrodden. So we already have answers coming to this question. J.J. and Debakshi, Bidhan, Hariom, and Bidhan have answered C. Pooja has answered C. Abhishek has answered C. A lot of people are answering B and A as well. Shitij has answered C. Vishal knows that A is correct, but he is not sure about B. Puneet has answered C. Arpita has answered A. Sagar have answered C. Akshay has answered C, but usko thoda sa doubt hai ear mein. Saransh Abdul have answered C. Gurtek is confused in B and C. Ayub has answered D. Madhav has answered B. Rashmi has answered C. So has Shubham. करेक्ट ऑप्शन है इसका सी गाइस, बोथ ऑफ द अबव. 1936 में बाबा साहेब अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को फाउंड किया था. 1923 में बहिष्कृत हितकरणी सभा आई थी. ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू हिम आर करेक्ट. 1923 में बहिष्कृत हितकरणी सभा को इसीलिए उन्होंने स्टार्ट किया था ताकि जो भी एजुकेशन का पर्पस है उसको स्प्रेड कर पाए टू द डाउन ट्रॉडन क्लासेस. उसके बाद उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया था कालाराम टेम्पल में नासिक में अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस. तीनों RCT उन्होंने अटेंड की थी, फॉलोड बाय द कम्युनल अवार्ड 1932 का, जहाँ पे उन्होंने गांधी जी के साथ इसको ब्रेक किया था. एंड पोस्ट दैट 1936 में ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी. देन 1939 में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु कॉल द इंडियंस टू ज्वाइन द आर्मी ताकि वो लोग नाजीज को डिपीट कर पाए. 1956 में ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म और बुद्धा एंड इस धर्मा पे उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी. एंड 1990 में ही वॉज बेस्टोर्ड विद द भारत रत्न. क्लियर डाउट क्वेरी क्वेश्चन कन्फ्यूजन एनी वन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम. I am very badly waiting for that day, Abhishek, to happen. And I'm really hoping that happens someday. But jab aayega wo din, we'll look into that. Theek hai? Absolutely right, Abdul. He was born in Mahu MP. Theek hai? 14 April 1891. Absolutely right, Sayantika and JJ. Theek hai? चलिए अगला क्वेश्चन. ऑन दैट नोट अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF. ICF से रिलेटेड दो स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ रेल कोचेज लोकेटेड इन कर्नाटका एंड इट इज पार्शियली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडियन रेलवेज. आपको बताना है कौन सा इसमें से सही होगा. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर दैट जीजे. चलिए फटाफट से आंसर कीजिए. सो वी हैव आंसर्स कमिंग. JBP हैज आंसर्ड बी, अक्षय हैज आंसर्ड बी. ओके, सो दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो मेरे को लगता है मार्क्स कॉपी में जाने वाला है. सागर डजंट नो. अभिषेक हैज आंसर्ड डी. हरिओम हैज आंसर्ड सी. क्षितिज हैज आंसर्ड बी. दीपेश हैज आंसर्ड बी. गुरुदेव हैज आंसर्ड ए. जे जे हैज आंसर्ड सी.
अभिषेक हैज आंसर्ड बी. ओके, बहुत सारे लोग, मोस्टली लोग यहाँ पे ए और बी वाले हैं. देर वॉज जस्ट वन पर्सन, अभिषेक पोरवाल, जिन्होंने डी आंसर करा था. डी ही इसका करेक्ट आंसर है, नन ऑफ द अबव. द कंट्री इज नॉट लोकेटेड इन कर्नाटका, बट इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु. ठीक है, एंड ये इट इज नॉट पार्शली ओन्ड, इट इज कम्प्लीटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द इंडियन रेलवेज. ठीक है, सो द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF, ये मैन्युफैक्चर करती है रेल कोचेस को, विच इज लोकेटेड इन पेरम्बूर, चेन्नई, तमिलनाडु. आई थिंक वन ऑफ द अभिषेक्स वॉज क्लियर. Now, the next part is it was established in 1952, which was inaugurated by Jawaharlal Nehru in 1955, and it is owned and operated by the Indian Railways wholly. ठीक है, ICF is one of the three rake production units of Indian Railways. बाकी दो हैं मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में, और दूसरी है एक फैक्ट्री द रेल कोच फैक्ट्री विच इज पुट अप इन कपूरथला. क्लियर डाउट पेरी क्वेश्चन कन्फ्यूजन टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम एनी वन? हेलो रवि, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. हेलो पी, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल. हाँ, द कपूरथला कोच फैक्ट्री एंड द मॉडर्न कोच फैक्ट्री. ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट. चलिए नेक्स्ट पार्ट. गुरुतेज, इट्स अगेन ऑन यू. इफ यू वॉन्ट टू मेक द नोट्स, नोट्स बना लो, वरना पेपर पढ़ के DNS देख लिया करो. इट इज द सेम थिंग, बिकॉज DNS का आपको ऑलमोस्ट हर जगह से सोर्सेज मिल जाते हैं. इवन अक्रॉस जो दीपांशु सर क्लास लेते हैं या जो शरद सर क्लास लेते हैं इस पर्टिकुलर चैनल पे ना, उसका भी आप लोगों को पूरा पार्ट मिल जाएगा. सो वाई वेस्ट योर टाइम इन नोट्स? इट्स बेटर टू कीप ऑन वर्किंग, रीड इट ट्वाइस और थ्राइस, उससे याद हो जाता है. ठीक है, और प्लस मंथली कंपाइलेशन और ईयरली कंपाइलेशन आते ही हैं, सो वाई वेस्ट टाइम ऑन नोटिंग इट डाउन? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द इंडस रिवर डॉल्फिन एंड द गैंजेस रिवर डॉल्फिन. आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, अगर है भी कोई स्टेटमेंट सही या नहीं. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट वी हैव इज द इंडस वैली, इंडस रिवर डॉल्फिन कैन बी फाउंड इन द ब्यास रिवर इन इंडिया. गैंजेस रिवर डॉल्फिन इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ गैंजेस, मेघना, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स इन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश. आपको बताना है कौन सा सही है. ठीक है, हेलो रवि, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास. आई होप यू डूइंग वेरी वेल. एंड अनिल, माई नेम इज शिवांगी गौतम. अक्षत सर का क्लास देख सकते हो, एडिटोरियल वाला विशाल. आई वुड से कि 2022 वाले आपके लिए उसका ज़्यादा फायदा होगा. 21 वाले जो है मई तक तो देख लो यार, इट्स रियली गुड, इट्स हेल्पिंग यू आउट, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ रहे हैं, सी सैट उससे अच्छे से कवर हो जाएगा. ठीक है, सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, वी हैव आंसर्स कमिंग. अ लॉट ऑफ यू, मेजोरिटी ऑफ यू गाइज आर आंसरिंग सी. कुछ लोगों को डी और बी में कन्फ्यूजन है. इसका करेक्ट ऑप्शन सी है गाइस, बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट. गैंजेटिक डॉल्फिन्स के बारे में सबको पता है. ठीक है, द गैंजेस रिवर डॉल्फिन इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ गैंजेस, मेघना, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम्स इन इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश. इंडस रिवर डॉल्फिन्स जो होती हैं वो मेजरली पाकिस्तान में फाउंड होती हैं, बट अ पोर्शन ऑफ देम हैव बीन फाउंड इन द ब्यास रिवर इन इंडिया. ठीक है, उसके अलावा वो कहीं पे भी फाउंड नहीं होती इंडिया में. हाँ, आई एम वेरी श्योर कि नेपाल से थोड़े से लोगों को डाउट था रिलेटेड टू वेदर और नॉट गैंजेस रिवर डॉल्फिन इज फाउंड देयर और नॉट. सो गैंजेस रिवर डॉल्फिन फाउंड होती है गैंजेस, मेघना, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम में इन इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश. आफ्टर दैट गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन जो है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है. इसके अलावा तीन मेजर फ्रेश वाटर डॉल्फिन स्पीशीज और होते हैं, एक होते हैं यांगसे रिवर चाइना में, एक होती है अमेजोनियन रिवर फॉरेस्ट में, और एक होती है इंडस वैली इन द पाकिस्तान. अमेजॉन रिवर डॉल्फिन जो होती है उसको बोटो बोला जाता है, और जो इंडस रिवर डॉल्फिन है उसको भूलन बोला जाता है, विच इज स्पेसिफिकली फाउंड इन द ब्यास रिवर इन इंडिया, और बहुत छोटा सा आइसोलेटेड इसका पॉपुलेशन होता है. क्लियर डाउट क्वेरी क्वेश्चन कन्फ्यूजन? ट्रॉपिकल एनिमल है अभिषेक, बट सिर्फ एक पोर्शन में जहाँ पर रिवर फ्लो होती है, दैट इज इट. ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं पाई जाती है. ठीक है, कल किसी एक आर्टिकल में आता विशाल, दैट इज वाई पुट इट इन द न्यूज, बिकॉज आई इवन आई केम अक्रॉस वन ऑफ द आर्टिकल्स टुडे इटसेल्फ. ठीक है, आज या कल शाम को शायद पढ़ा था, दैट इज वाई आई पुट इट. ठीक है, यहाँ पे क्लियर डाउट क्वेरी क्वेश्चन कन्फ्यूजन? थैंक यू सो मच अकी फॉर दैट, थैंक यू सो मच. यहाँ तक सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए ना? अच्छा, पंकज, फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हैव ऑलरेडी टेकन अ होल क्लास ऑन शंकर IAS. ठीक है, मैं 30 सेशंस का पूरा एक लॉट करवा चुकी हूँ, पूरी एक सीरीज. जस्ट गो टू दी अनअकैडमी ऐप, स्पेशल क्लासेस में ये कोड यूज करो मेरा, शिवजी लाइफ, फाइंड माई क्लासेस, पूरे 30 क्लासेस मिल जाएंगे. ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल विद द PDF, सब कुछ मिल जाएगा, रिवाइज देम, शंकर IAS उससे कवर हो जाएगा, इंक्लूडिंग ऑल द इंडियन गवर्नेंस ऑल्सो. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. We have 2022, before I move, I just a quick reminder, जो 1 year batches हैं हमारे वो 31 जुलाई 2022 तक वैलिड रहेंगे. अगर आप 28 अप्रैल तक एनरोल करते हैं, और 2023 तक अगर आप 31 जुलाई वाले batches में एनरोल करते हैं, GS Iconic Combo ऑप्शन सब्सक्रिप्शन पे अवेलेबल है, शिवजी लाइव इज द कोड. ठीक है, अब उसके अलावा अन अकेडमी कॉम्बैट जो होगा 60 क्वेश्चन 60 मिनट्स 18 अप्रैल को होगा, इस संडे. द कोड इज SHIVGLIVE. 4 crore का स्कॉलरशिप पूल है फॉर टॉप 500 रैंकर्स. आई थिंक शॉ 6th या 5th क्वेश्चन था. And obviously I do get time to read because I sleep pretty late, so I read during that time. When I was like, how can I take the classes, show? ये तो possibly नहीं है ना. ठीक है, दीपेश, टेलीग्राम का चैनल somebody will share in the comments, सबसे आखिरी में शेयर कर देंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी. हाँ, absolutely विशाल, दोनों अलग स्पीशीज है. इंडस रिवर डॉल्फिन अलग है,
गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन अलग है, अमेजॉन रिवर डॉल्फिन अलग है, यांगस्टर रिवर डॉल्फिन अलग है। ये चार मेजर फ्रेश वाटर डॉल्फिन की स्पीशीज हैं और चारों अलग होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी न्यूज़ में आया था, अभी तक लोगों को पता नहीं था कि इंडस रिवर डॉल्फिन एग्जिस्ट करता है, बट इट डज, और बहुत छोटे से आइसोलेटेड पार्ट में इंडिया में प्रेजेंट है, ठीक है। आई डोंट, मैं एक बार उसके लिए टीम से बात कर लूँगी, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ संतिक, आप स्टार्ट कर दो 36 वीडियो से, दैट इज़ मोर देन सफिशियंट इनिशियली। मैं एक बार फिर भी देख लूँगी कौन से वीडियोज़ उसमें मिसिंग हैं, ठीक है। शॉप मैंने इसमें लिखा है ना, पीछे वाला जो स्लाइड है उसमें चारों डॉल्फिन्स का लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आप देख लो, ठीक है। यांगसे रिवर, अमेजॉन रिवर, इंडस रिवर एंड गैंडिस रिवर, ये चार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। मिताली एक्सप्रेस ए न्यू पैसेंजर ट्रेन विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली कनेक्ट्स ढाका विद विच इंडियन सिटी? कोलकाता, न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी, गैंगटॉक। आउट ऑफ द गिवन फोर आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। क्विकली क्विकली टेल। मिताली एक्सप्रेस जो एक नई पैसेंजर ट्रेन चली है विच वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली कनेक्ट्स ढाका विद विच इंडियन सिटी। सो दिस वॉज समथिंग वेन दी देर वॉज अ वर्चुअल मीटिंग बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, बिटवीन आर प्राइम मिनिस्टर एंड द बांग्लादेशी प्रेमियर, तब ये न्यूज़ में था। सो वी हैव अ मिक्स लॉट ऑफ आंसर्स कमिंग टू दिस क्वेश्चन। ए और बी में बहुत सारे लोगों का डाउट है। अभिषेक अब्दुल्ला वेरी श्योर ऑन ए ऑन बी, हरिओम इज वेरी श्योर ऑन बी, वी हैव अंशिका ऑन बी, बहुत सारे लोग बी ही आंसर कर रहे हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन बी ही है गाइज, फ्रॉम बांग्लादेश टू न्यू जलपाईगुड़ी। तो ढाका कैंटोनमेंट से न्यू जलपाईगुड़ी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द ट्रेन वुड बी देयर, और ये जो मिताली एक्सप्रेस है इट वुल इट वॉज इनॉग्रेटेड रिसेंटली ओनली। क्लियर डाउट मेरी क्वेश्चन, कन्फ्यूजन एनी वन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम? कोई पार्ट जो यहाँ पे नहीं समझ आया किसी को किसी भी क्वेश्चन में? एंड वी हैव डिस्कस दिस विशाल, इरावारी में जो मिलती है, वी डिस्कस दैट ऑल्सो, इरावारी रिवर डॉल्फिन जो है कहाँ पे आती है, दैट इज द वन। इरावारी उड़ीसा, एक्चुअली वो छिलका लेक में आती है, इरावारी रिवर इज इन म्यांमार, उसका बस एक स्ट्रीम जो है वो वहाँ पे आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? यू हैव टू टेल द ग्लोबल द वर्क इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आई एम सो सॉरी, दिस इज वर्ल्ड, मेरे को ध्यान नहीं रहा के लिखाने का, आई एम सो सॉरी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, UNDP, IMF, आउट ऑफ दीज फोर कौन सा आता है? ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? एक बार अभिषेक प्लीज रिपीट कर दो, कैंटोनमेंट वाला। अच्छा, वी हैव आंसर्स कमिंग टू दिस क्वेश्चन। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव आंसर ए फॉर दिस वन, लाइक ऑलमोस्ट 100% पोल। एक दो लोगों ने सी आंसर करा है, बट वेरी एक्साइटेडली ऑलमोस्ट एवरी वन हैज आंसर दिस। एब्सोल्युटली राइट गाइज, इट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आई एम सो सॉरी, एक जल्दीबाजी मुझसे के लग गया। इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, जिन्होंने इस रिपोर्ट को रिसेंटली पब्लिश करा था, जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 का, जिसमें इंडिया की रैंक 140 आई थी 156 कंट्रीज में से, और 28 असेट्स पे इंडिया हैज फॉलन बैक, ठीक है। साथ ही साथ में अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया को अभी लाइक इट विल टेक 62.5% ऑफ इट्स जेंडर गैप, उसको कवर अप करने के लिए कम से कम 600 साल लगने वाले हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर? डाउट क्वेरी क्वेश्चन कंफ्यूजन एनीवन? मोस्ट ऑफ द पीपल हैव आंसर्ड दिस करेक्टली, इट्स ए, परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। पाकिस्तान क्या है? साउथ ईस्ट एशिया के हमारे जितने नेबर्स है सबसे बुरा, वी हैव डन ऑफुली बैड ऑन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट? आई डोंट थिंक कैंटोनमेंट स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड एवरीवेयर, बट उनमें मैनेज कौन करते हैं उसके लिए आई एम नॉट श्योर अभिषेक। इंडिया के लिए तो आई एम श्योर, वर्ल्ड का देखना पड़ेगा कि हु मैनेजेस दोस, ठीक है। नाउ क्विकली टेल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल रिपोर्ट को पब्लिश करा? वर्ल्ड बैंक, ADB, FAO, जर्मन वॉच, आउट ऑफ द गिवन फोर, क्विकली क्विकली टेल। सो वी हैव आंसर्स कमिंग फॉर दिस वन, एंड मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं। वी हैव CDA कमिंग, ओके। मेजॉरिटी ऑफ यू गाइज आर आंसरिंग सी, अ फ्यू पीपल हैव पास द क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन है इसका सी गाइज, FAO, ठीक है। जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है FAO, यूनाइटेड नेशंस का, उन्होंने रिलीज करी थी फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनियस एंड ट्राइबल पीपल्स रिपोर्ट को। इसके तहत डिफॉरेस्टेशन रेट्स जो लैटिन अमेरिका में और करीबियन में है वो सिग्निफिकेंटली लो है इंडिजिनियस और ट्राइबल टेरिटरीज में, और ये रिपोर्ट जॉइंटली रिलीज होती है बाय द फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस पीपल ऑफ लैटिन अमेरिका एंड द करीबियन, ठीक है, जिसको हम फिलाक बोलते हैं। क्लियर? एनी डाउट क्वेरी क्वेश्चन कन्फ्यूजन टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम? यहां तक सब क्लियर ना? जर्मन वॉच इज वन ऑफ द NGOs, ठीक है। ट्राइफेड ने, हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं विशाल, वी नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडियन, ट्राइफेड जो है वो इंडियन है, हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉरेस्ट गवर्नेंस बाय इंडिजिनियस ट्राइबल पीपल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है।
थैंक यू सो मच फॉर दैट अनिल. आई बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेम. चलिए अगला क्वेश्चन. विच क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैज लॉन्च NFT मार्केट प्लेस फॉर इंडियन आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स? विच क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हैज लॉन्च NFT द नॉन फंजिबल टोकन्स फॉर मार्केट प्लेस फॉर इंडियन आर्टिस्ट एंड क्रिएटर्स? क्विकली क्विकली टेल. So we have four of the options here: WazirX, Coinbase, Libra, Bitfarl. Again, a question like this might not be asked in UPSC, I'm very sure, but state PCS में जरूर पूछा जा सकता है. पिछले तीन महीने के करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ के जाना. जितने मेजर PCS एग्जाम्स हैं मई में या जून में होने वाले हैं, सो प्लीज़ पिछले तीन महीने के करंट अफेयर्स कर लेना, ठीक है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर आंसरिंग ए ऑन दिस क्वेश्चन एंड पीपल आर वेरी श्योर, ठीक है. एब्सोल्यूटली करेक्ट गाइज, इट इज़ WazirX, ठीक है. तो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है WazirX, उन्होंने रिसेंटली लॉन्च करे थे नॉन फंजेबल टोकन्स मार्केट प्लेस इंडियन आर्टिस्ट और क्रिएटर्स के लिए, जहाँ पे ये बोला गया था कि इंडियन आर्टिस्ट जो है दे कैन टेक द डिजिटल असेट्स दैट इज आर्ट पीसेज, ऑडियो फाइल्स, वीडियोज फॉर ऑक्शन ओवर द ब्लॉक चेन बेस्ड NFT मार्केट प्लेस टू अर्न रॉयल्टी. और इसको इंडिया का पहला NFT मार्केट प्लेस बोला गया था. एब्सोल्यूटली राइट गाइज, इट इज़ WazirX, ठीक है. इट इज़ द नेम जेजे उस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज मैकेनिज्म का नाम है WazirX, ठीक है. सो गाइज, वन मोर क्वेश्चन आई हैव. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अलाउड प्राइवेट सेक्टर फर्म्स टू पार्टनर इन प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल सिस्टम? ये तो आंख बंद करके आई एम श्योर विल बी अ 100% पोल. इसरो, DRDO, BEML, HAL. क्विकली क्विकली टेल. इट वॉज ऑन ट्रैक माइंड अभिषेक, उनका आया था बट शी कुड नॉट अनफॉर्चुनेटली गेट थ्रू. इसी एंड दैट इज़ बाई विशाल, दिस वॉज अ न्यूज बिकॉज ऑफ अ क्रिप्टो पेंटिंग गोइंग फॉर मिलियंस, ठीक है. सो वी हैव, दिस इज आई थिंक ऑलमोस्ट 100% पोल. एवरी वन इज आंसरिंग DRDO ऑन दिस वन. हाँ, सो बी इज द करेक्ट वन फॉर दिस वन. इसमें तो दिस इज 100% पोल क्वेश्चन, ठीक है. ऑल ऑफ यू गाइज हैव आंसर DRDO. इसमें तो इवन आई शुड नॉट बी सरप्राइज, इट इज सच अ परफेक्ट पोल, ठीक है. कुछ एक दो लोगों ने डी आंसर करा है, ए आंसर करा है. सो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, उन्होंने अलाउ करा था प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को टू जॉइन हैंड्स विद इट्स डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल सिस्टम्स, जहाँ पे जो डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर प्रोग्राम है DRDO का, उसके तहत अनाउंसमेंट की गई थी. एंड The programs covered were under the vertical launched short-range surface-to-air missile system. Clear? Doubt, query, question, confusion, anyone till this point? DBI was also a part of it, JJ. But initial jo part aaya tha, initial jo program ko launch kiya tha, ya jo permission di thi, that was by DRDO. ठीक है? Manufacturing, absolutely right. ठीक है? यहाँ तक सब clear ना? विशाल, आई ट्राई एवरी डे बट द पॉइंट इज कि ईच एंड एवरी डे ना, बिकॉज आई हैव टू टेक 4-5 क्लासेस, थोड़ा सा कम रह जाता है. आई एम रियली ट्राइंग टू टच 15, ठीक है. वी आर ऑलरेडी एट 11 or 12 क्वेश्चंस. हम 11-12 क्वेश्चंस में जंप करते हैं. विद इन बाय द एंड ऑफ दिस वीक आई ट्राई टू टच 15, ठीक है. चलो, सो गाइज, दिस वॉज द सेट ऑफ क्वेश्चन दैट आई हैड फ्रॉम माई एंड. बिफोर आई वाइंड अप, जस्ट अ क्विक 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 रिमाइंडर, आज हम लोगों का लास्ट डे है इस अनअकैडमी के सरप्राइज का, जहाँ पे हम लोगों ने 20 बुक्स क्यूरेट करे हैं, वेर इन वी आर प्रोवाइडिंग 100% सिलेबस, हाईली स्ट्रक्चर्ड मटीरियल, प्रीवियस ईयर पेपर्स, अपडेटेड करंट अफेयर्स को पार्ट कर रहे हैं GS Iconic Combo सब्सक्रिप्शन के साथ. एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल द GS Iconic Combo सब्सक्रिप्शन. जस्ट यूज द कोड ShivjiLive एंड इस कोड को यूज करके ऑन ऑल दी कमिंग बैचेस जो आज से स्टार्ट हो रहे हैं, आपको ये बुक सेट मिल जाएगा, जिसका शिपिंग हम लोग June 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है. एंड कमिंग टू योर, हाँ, टुडे वी विल बी हैविंग गाइस 6-4 क्लासेस, जैसे मैंने बताया. 1 PM पे PYQ मॉक होगा, ठीक है. 2 PM पे हम लोगों का मिडिवल हिस्ट्री का क्लास होने वाला है. 6 PM पे फिर से हम लोग PYQ मॉक करेंगे और 8 PM पे हम लोगों का आर्ट एंड कल्चर का लेक्चर होगा. बी अ पार्ट ऑफ ऑल द सेशंस. ऊपर के तीनों लेक्चर्स हम लोगों के होंगे अनअकैडमी के ऐप पे, स्पेशल क्लासेस पे. 8 PM वाला जो लेक्चर है वो YT पे ही होगा, ठीक है. किसी का कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन, कन्फ्यूजन हो, प्लीज लेट मी नो, आई हेल्प यू विद इट. एंड आई केम अक्रॉस टू विद सुष्मित, बट मैं एक बार फिर से देख लूंगी, अगर 3 years पे चेंज कर दिया ना, आई एडिट दैट, ठीक है. चलिए, ऑन दैट नोट गाइज, आई टेक योर लीव, सी यू ऑल एट 1 o'clock. प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एज मच एज यू कैन, साथ ही साथ में सब्सक्राइब टू आर्टिकुलेट एंड एनरोल फॉर कॉम्बैट जो 18 April को होगा, संडे. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो थैंक यू सो मच एवरी वन, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, सी यू ऑल एट 1 PM. गुड डे एवरी वन.